हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। आईटीआई होल्डर्स के लिए एक और न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है बीएसएफ की तरफ से। कुछ दिनों पहले जो अपडेट आया था वो आया था कांस्टेबल ट्रेड्समैन का, और एक और न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है आईटीआई वालों के लिए। ये अलग वैकेंसी था और वो भी अलग है, तो दो दो भर्ती निकल कर आ रही है अभी आईटीआई वालों के लिए। एक का तो मैं वीडियो बना के आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया था, और ये जो वैकेंसी है ये न्यू वैकेंसी है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आप सभी को डिटेल बताऊंगा। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सभी itieducation.com विजिट कर लीजिएगा गाइस। अब चलिए मैं आप सभी को नोटिस दिखाता हूं जो विभाग की ओर से जारी किया गया है। अभी ये ऑनली DAVP का ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया गया है। पहले ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आएगा, देन BSF के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। अब चलिए मैं आप सभी को ऑफिशियल नोटिस शेयर करता हूँ। तो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिस जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से रिलीज़ किया गया है। और ये जो रिक्रूटमेंट है ये ग्रुप सी का पोस्ट है, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ये जो है आप लोग का इंजीनियरिंग, आप लोग का जो है BSEF इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है। यहाँ पे देखिएगा, जो IT वालों के लिए मैं बात करूँ तो हेड कॉन्स्टेबल पंप ऑपरेटर का यहाँ पे एक पोस्ट है टोटल, और यहाँ पे लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। बाद बाकी यहाँ पे कॉन्स्टेबल जनरेटर ऑपरेटर में 10 पोस्ट है, कॉन्स्टेबल जनरेटर मैकेनिक में 19 पोस्ट है, कॉन्स्टेबल लाइनमैन में 9 पोस्ट है। और इन तीनों में सैलरी आप लोग को लेवल 3 का मिलेगा, RS 21,700 से 69,100 एज पर 7th CPC। तो इसका जो लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने का, पहले तो मैंने पहले ही बताई है, अभी DAVP का ऑफिशियल वेबसाइट पे, पहले ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आएगा, देन BSF के पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। तो जो अपडेट आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा आईटीआई एजुकेशन वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो जो हेड कॉन्स्टेबल पंप ऑपरेटर है सीरियल नंबर पे 2 पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ITA पास रहना चाहिए। कौन सा ट्रेड में? पंप ऑपरेटर में आप लोग का ITA पास है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है कॉन्स्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, यहाँ पे आप लोग का 10th पास रहना चाहिए और ITA पास रहना चाहिए। कौन सा ट्रेड में? इलेक्ट्रीशियन में या वायरमैन में या डीजल या मोटर मैकेनिक में, ठीक है। 10वीं के साथ में ITA इन ट्रेड में पास रहना चाहिए, और 3 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस चाहिए। आप लोग का कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई भी मतलब जो डिपार्टमेंट बोल लीजिए या कोई भी इंडस्ट्री बोल लीजिए, यहाँ से आप लोग का यहाँ पर आप लोग को एक्सपीरियंस चाहिए। कोई भी डिपार्टमेंट से या ऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिए, कोई भी इंडस्ट्री बोल लीजिए, वहाँ से आप लोग का 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। वहीं पे कॉन्स्टेबल जनरेटर मैकेनिक की बात करूँ, ये तो जनरेटर ऑपरेटर हो गया, सीरियल नंबर 4 पे देख रहे होंगे कॉन्स्टेबल जनरेटर मैकेनिक की, तो यहाँ पे भी 10वीं और ITA पास रहना चाहिए डीजल या मोटर मैकेनिक में। और साथ ही साथ यहाँ पे भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आप लोग का कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से जो मान्यता प्राप्त इंडस्ट्री हो गया, कोई भी संस्था है, डिपार्टमेंट है, वहाँ का आप लोग का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्स्टेबल लाइनमैन का, यहाँ पे आप लोग को 10वीं एवं ITA पास रहना चाहिए। कौन सा ट्रेड में? आप लोग का इलेक्ट्रिकल वायरमैन में या लाइनमैन में, और 3 साल का यहाँ पे भी एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट की बात करूँ तो इन सभी में आप लोग का एज 18 से 25 साल मांगा गया है, और एज में जो छूट मिलेगा एज पर जो गवर्नमेंट का नियम है उनके अनुसार आप सभी को एज में छूट मिल जाएगा गाइस। तो ये नोटिफिकेशन अभी आ गया है DAVP का ऑफिशियल वेबसाइट पे, कुछ दिनों में अभी अपडेट हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, तो ये नोटिस IT एजुकेशन वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो मेनली रूप से मैं इसमें बता दूँ कि अगर आप लोग के पास में एक्सपीरियंस है 3 साल के लिए तो आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक ठाक जॉब है, यहाँ पे कॉन्स्टेबल का जॉब रहने वाला है, तो यहाँ पे जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक एवं लाइनमैन का है। तो जिनके जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है फॉर्म जरूर भरिएगा। और ट्रेड मैंने आप लोग को बता ही दिया कौन कौन से ट्रेड वालों को मौका मिला, इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, डीजल है या मोटर मैकेनिक हो गया, उसके बाद लाइनमैन हो गया या वायरमैन हो गया। इन सभी ट्रेड में आप लोग ने ITA किए हैं तो आप लोग फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा।